मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है नेट, ये हमसे इंट्रोड्यूस होता है। एक्चुअल में वो एक ट्रम्पेट प्लेयर है। जब वो यंग था बहुत ही फेमस हुआ करता था, पर उसकी हालत अब बहुत खराब है। इसके बाद स्ट्रीट में एक आदमी उसे मारकर गाड़ी में डालकर एक जगह पर लेकर जा रहा था। नेट समझ गया कि उसे मार डालने वाला है। सुनसान जगह पर ये पहुंचे, वो उसे मारने वाला था तभी उस आदमी को गोलियां लग गई। शायद उस आदमी के कोई और दुश्मन थे। नेट की जान बच जाती है। वो आदमी डेड बॉडी के पास आया, उससे कुछ लिया और यहाँ से चले गए। नेट टाउन से बहुत ही दूर था तो उसे वैसे ही चलते चलते जाना पड़ता है। फिर उसकी नजर एक सर्कस पर पड़ी। यहाँ पर एक परफॉर्मर से वो फोन के लिए पूछता है। जब वो ये ढूंढ रहा था तो उसकी नजर लिली पर पड़ी। वो एक बॉक्स में थी और उसने एंजल का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, पर वो खुद भी एंजल से कम नहीं। नेट उसमें इंटरेस्टेड हो गया, उसे पास से देखना चाहता था। बाहर आकर उसके ट्रेलर तक वो पहुंच जाता है। लिली गुस्से में उससे कहती है तूने पैसे पे किए थे और शो खत्म हो चुका है, अगर फिर से आए तो मेरे आदमी तुम्हें बहुत मारेंगे। नेट कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं इसी टाउन में ट्रम्पेट बजा रहा था और मैं अपना रास्ता भूल चुका हूँ। प्लीज मुझे एक ड्रिंक ऑफर करो, ड्रिंक के बाद मैं चला जाऊंगा। लिली भी इसके लिए मान जाती है। नेट को अपना नसीब बहुत अच्छा लगा कि एक घंटे पहले वो मरने वाला था और अब एक एंजल के साथ है। वो उसे पूछता है क्या कभी तुम अमेरिका गई हो या एक्चुअल में मैक्सिको में है। वो कहती कि मैं जाना चाहती हूँ। लिली की इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी जो उसने मूवी देख देख कर सीखी है। अपनी विंग्स की वजह से उसे तकलीफ हो रही थी। नेट कहता है इसे उतारने में मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती कि मैंने कोशिश की है। लिली ने कहा अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नेट जाते जाते कहता है अगर तुम्हें यहाँ से भागने में किसी हेल्प की जरूरत हो तो मैं तुम्हें कर सकता हूँ। लिली इसके लिए मना कर देती है। जब वो बाहर आया तो खिड़की से लिली की विंग्स देखता है। वो अब अपने विंग्स निकालने की कोशिश कर रही थी। ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं तो उसके एक्चुअल विंग्स है। वो रियलिटी में एक एंजल है। लिली ने नेट को अपने ट्रेलर में आने दिया, इसके पीछे एक रीजन था। अपने यंग एज में नेट बहुत ही फेमस ट्रंकेट प्लेयर था और उसके गाने वो अभी भी सुनती है। बाहर आने के बाद कुछ लोग नेट को घेर लेते हैं। ये लिली का बॉस था। वो उससे कहता है तुम लिली को मुझसे क्यों चुराना चाहते हो, मैं उसे तुम्हारे जैसे लोगों से ही बचाता आ रहा हूँ। वो एक जगह पर डस्टबिन में पड़ी हुई थी, मैंने उसे लाइफ दी है। वो नेट पर बहुत गुस्सा हो गया, उसे मारने वाला था। तभी लिली गाड़ी लेकर ट्रेन में घुसा देती है। जल्दी से उसने नेट को बचा लिया। ये दोनों दूर आकर गैस स्टेशन पर हैंग आउट कर रहे थे। नेट अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है। अभी अभी उस पर जो हमला हुआ था एक गैंगस्टर ने करवाया हुआ था। इसके पीछे का रीजन ये है कि वो उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ है। अब नेट अपने फ्रेंड को कहता है कि उस गैंगस्टर के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें मार डालेगा। ये फोन चलते चलते नेट लिली को देख रहा था जो उड़ने का ट्राई कर रही थी। थोड़ा सा आसमान में वो फ्लोट भी करने लग गई थी। वो उसे देखता ही रह गया। वो उसके पास आता है। वो कहती है इस विंग्स के लिए मैं जरा बड़ी हूँ, अगर राइट विंग हो तो थोड़ी फार फ्लोट कर सकती है। नेट एक्साइटेड होकर उसे पिक्चर्स लेता है। गाड़ी में लिली नेट से पूछती है ये हुआ क्या था। नेट ने कहा कि मैं गैंगस्टर की वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ था, इसलिए मुझे मारने के लिए उसने गुंडे को भेजा हुआ था। लिली पूछती है क्या तुम उससे प्यार करते थे। नेट कहता है कि नहीं, थोड़ा भी नहीं। लिली को बहुत ही सैड लगा। नेट भी कहता है तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे भी बहुत सारे लवर्स होंगे। इसके बाद ये दोनों एक मोटेल में आ गए। लिली यहाँ की बैल्कनी से ओशन को स्मेल कर सकती थी। उसने अब तक सी देखा नहीं। नेट कहता है सी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, एक दिन मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। लिली के विंग हर्ट कर रहे थे तो उसने अपना जैकेट निकाल लिया, अपने विंग्स ओपन करती है। नेट अभी भी बहुत ही सरप्राइज था। वो कहता है ये कभी भी ओल्ड नहीं हो सकता, वो हमेशा विंग्स को देखकर सरप्राइज ही रहेगा। लिली को यह सुनकर बुरा लग गया। उसे लगता है कि वो बहुत ही अजीब है, इस वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करती, उसे सब की तरह नॉर्मल होना था। नेट उसे बाद में सॉरी कहता है। जब सुबह हुई तो वहां से गायब हो गई थी। नेट उठने के बाद उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाता, बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। बाहर आया तो एक आदमी ने उसे कहा कि वो तुम्हारा ट्रक लेकर चली गई, जाने से पहले उसने कॉल भी लगाया था। नेट फोन बूथ के पास जाता है।
नोटपैड पर उसने पेंसिल से स्क्रैच किया, उसे एक एड्रेस मिला, ये डॉक्टर का एड्रेस था। जल्दी से वहां पर वो पहुंच जाता है। लिली इस डॉक्टर के पास अपने विंग्स को निकालने के लिए आई हुई थी। नेट ने जाकर इसे रोक लिया। वो लिली को समझाता है, तुम अमेजिंग हो। डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल नहीं। नेट कहता है, नॉर्मल होने से क्या प्राइज मिल जाता है। लिली जैसी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। लिली को भी फर्स्ट टाइम किसी ने एक्सेप्ट किया तो उसे बहुत अच्छा लगा। नेट ने डॉक्टर को धमकी दी, अगर इसके बारे में उसने किसी को भी बताया तो उसे मार डालेगा। अपनी सिटी में आकर नेट फिर से अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है। उसकी फ्रेंड पूछती है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो गैंगस्टर के साथ तुम डील करने वाले हो। नेट लिली के बारे में उसे बताता है। उसकी फ्रेंड ने कहा कि वो लिली को बर्बाद कर देगा। नेट कहता है, मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं भी हमेशा उसके साथ ही रहूंगा, मैं सिर्फ उसके फ्यूचर का एक पार्ट उसे दे रहा हूँ। नेट लिली को भेज देने वाला है पर फिर भी कुछ कट हमेशा रखेगा, उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। नेट की फ्रेंड ने पूछा कि लिली में ऐसा क्या है जो उसमें सब लोग इंटरेस्टेड होंगे। इसके बाद डायरेक्टली गैंगस्टर को उसने फोटोज वगैरह दिखाई। वो रियलिटी में तो इस पर बिलीव नहीं करता पर कोई भी चांस भी लेना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गैंगस्टर ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें यही मार डाला तो मुझे उसके पास जाकर पाने में कोई भी रोक नहीं सकता। नेट कहता है, मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है, अगर थोड़ी देर में मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल नहीं किया तो लिली हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। गैंगस्टर नेट को मारना चाहता था पर उसके जान के बदले में वो लिली को दे देता है। लिली जो भी अर्निंग करेगी इसके थोड़े से परसेंट नेट हमेशा लेता रहेगा। गैंगस्टर ने कहा, ये सब तो ठीक है पर रियलिटी में मुझे उसे देखना पड़ेगा। ये फिर एक कंसर्ट की जगह मीटिंग फिक्स करते हैं। अगले दिन एक रिमोट सी जगह पर आकर लिली और नेट ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे। लिली पूछती है, तुम तो बहुत ही फेमस थे तो हुआ क्या। वो कहता है, तब मुझे बुरी आदत पड़ गई, ड्रग्स वगैरह, इस वजह से वो बर्बाद हो गया था। गैंगस्टर कंसर्ट पर पहुंचा, उसके पास एक लड़की आई और बायनाकुलर देखकर चली गई। एक ओपन कंसर्ट था तो दूर से वो लिली को और नेट को देख सकता है। नेट कोई भी चीज रिस्क नहीं करना चाहता, वो लिली के विंग्स को देखना चाहता था तो लिली ने भी ओपन कर दिए। गैंगस्टर भी देखकर सरप्राइज हो जाता है। उसने अपने आदमी को कहा, जाओ और नेट को मार डालो, उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। नेट और लिली दूर थे तो जल्दी से वहां से चले जाते हैं। अब गैंगस्टर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं, उसे नेट के साथ डील करनी ही पड़ेगी। सुबह होने पर गैंगस्टर अचानक इनके रूम में पहुंच गया। वो नेट पर चाकू लगाते हैं। गैंगस्टर का नाम है हैप्पी। हैप्पी लिली को सब कुछ बता देता है कि नेट उसे बेचना चाहता था। हैप्पी ने कहा कि तुम बहुत ही यूनिक हो, सबसे ब्यूटीफुल, मैं तुम्हें केज में नहीं रख सकता, उसे अपने लिए पाना चाहता है। वो कहता है, तुम्हारा ऑडियंस सिर्फ मैं ही रहूंगा। वो लिली से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो। लिली भी इसके लिए मान गई। हैप्पी नेट को मारने वाला था पर लिली कहती है, तुम दोनों की डील थी, वही डील हम कंटिन्यू करेंगे। लिली उसके साथ गई सिर्फ नेट को बचाने के लिए। नेट बहुत ही डिस्टर्ब था। नेट उसे कहता है, मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। उसकी फ्रेंड इसके लिए उसे हेल्प करती है। उन्होंने एक ट्रक लिया और एक गैंगस्टर के पास गए। वो प्रिटेंड करती है गैंगस्टर ने कुछ घर पर मंगवाया हुआ था। गाड़ी से उतर कर नेट लिली के पास पहुंच गया। लिली हैप्पी के साथ मूवी देख रही थी। नेट कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हैप्पी भी मजाक करता है, जाओ जाओ लेकर जाओ, पर उसके बहुत सारे लोग पीछे थे। वो नेट को बाहर निकाल देते हैं। लिली हैप्पी को फिर से कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ उसको कुछ भी होना नहीं चाहिए। नेट को रात में लिली के ही सपने आते हैं। वो बहुत रोता है, उसे पैसों की जरूरत थी तो एक जगह पर ट्रंकेट बजाने का उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसके कुछ एडवांस पैसे उसने पहले ही ले लिए। अगले दिन हैप्पी लिली को एक बहुत ही बड़े पार्टी में लेकर जा रहा है। वो लिली से कहता है, मुझे जो ये नाम दिया गया है हैप्पी, इस नाम को लेकर वो अपने फादर पर बहुत ही ज्यादा अपसेट था। उसकी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक कोई भी हैप्पीनेस नहीं था पर अब उसे सही लगता है। वो लिली के साथ है तो बहुत ही हैप्पी है, अब उसे नाम सूट करता है। उसने लिली को एक ब्यूटीफुल से डायमंड का नेकलेस दिया। ये दोनों पार्टी में आए। इस पार्टी को देखकर लिली सरप्राइज थी। इसी पार्टी में नेट ट्रम्पेट बजा रहा था। हैप्पी की इंटरव्यू लेने के लिए कुछ लोग थे
तो जब वो बिजी हुआ तो नेट और लिली ये फिर से एक दूसरे के सामने आते हैं। लिली उससे कुछ भी बात नहीं करती, हैप्पी उसे लेकर चला जाता है। वो फिर आज रात बार में बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया। एक लड़की से वो बात कर रहा था, उसे डायरेक्टली घर पर लेकर आती है। उसकी बॉडी पर भी एंजल के टैटूज है। नेट उसे इंटीमेट होने के लिए मना कर रहा था। इस लड़की के हाथ में कोकेन भी है, उसे जबरदस्ती दे देती है। एक्चुअल में जिस आदमी से नेट लिली को चुरा कर लेकर आया था, ये सब उसी आदमी का प्लान था। वो उसे ओवरडोज कर मार डालना चाहता है। उसे लगा तो था कि वो मर जाएगा, अगर नेट वैसा ही रहता तो मर जाता, पर उसे हेल्प करने के लिए उसकी फ्रेंड आ गई, उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद लिली का पता निकाल कर वो हैप्पी के घर में घुस गया। वो लिली से कहता है कि मेरी ही वजह से तुम अब यहाँ हो। उसे फिर से घर लेकर जाना चाहता था। हैप्पी ने यह सब देखा और उसे मार डालता है। उसे लिली पर शक हो गया। उसे लगा कि लिली भी उसके साथ भाग जाने वाली थी। वो गुस्से में लिली को बहुत मारता है। अपने क्लब में लिली को बॉक्स में रखकर उसको सब लोगों को दिखाता है। लिली एक मिरेकल है, उसे देखने के लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए लोग रेडी थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेट के पास उसका फ्रेंड आया हुआ था। वो उसे कहता है कि पुलिस हैप्पी के क्लब पर आज जाने वाले है, उसकी एंजल पकड़ी जाएगी। यहाँ नेट को पता चला कि हैप्पी लिली के साथ क्या कर रहा है। वो गुस्सा हो गया, अपनी फ्रेंड की मदद से उस क्लब में पहुंच जाता है। वो लिली के पास आया, उसे इस तरीके से केज में देखकर उसकी आंख में आंसू आ गए। लिली भी उसे देखकर रो रही थी। हैप्पी उसके पीछे आया, उसने कहा कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। नेट उसे बहुत मारता है। हैप्पी के लोग इनके पास पहुंचे, उससे पहले उसने लिली को फ्री कर दिया। भागते भागते ये टेरेस तक पहुंच जाते हैं। इनके पास अब कोई भी वे नहीं था। नेट लिली से कहता है अब तुम्हें उड़ना पड़ेगा। वो बहुत ही डर गई थी, कहती है मैंने कभी भी किया नहीं है, वो कर नहीं सकती। नेट कहता है विंड पावरफुल है, हमारे पास हाइट है, तुम्हें कर सकती हो। टेरेस का दरवाजा तोड़कर हैप्पी के आदमी पहुंच चुके थे। नेट लिली को किस करता है, उसने जंप मार दी। लिली भी उसे बचाने के लिए जंप मारती है, उसे पकड़ती है और अब वो फ्लाई कर रही थी। हैप्पी ये सब देखते ही रह गया। उसे फ्लाई करते करते दूर लेकर चली गई। अब हमारा इस मूवी का ट्विस्ट आता है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि नेट को मारने के लिए एक आदमी डेजर्ट में लेकर गया है। ये दोनों जब उड़ रहे थे तो नेट ने फिर से उसी स्पॉट को देखा। वहां पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। इसका मतलब है उसकी मूवी के फर्स्ट में डेथ हो चुकी है। जो भी हो रहा था ये उसका घोस्ट था। अगर इस मूवी में हम नेट का कैरेक्टर देखें तो एक डीमन की तरह ही है। लिली एक एंजल है। एंजल और डीमन की लव स्टोरी बहुत ही फेमस माइथोलॉजी है और यही इस मूवी के वर्ल्ड में इन्होंने क्रिएट की है। अब ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।